अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। व्हाट्सएप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अगर आप लोगों के साथ जो है नंबर सेव होगी तो आप उसके साथ जो है चैट कर सकते हो। अगर नंबर सेव नहीं होंगी तो फिर आपके साथ जो है चैट नहीं कर सकते। लेकिन इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक ऐसा जो है ट्रिक शेयर करूँगा जिसमें आप लोगों के साथ जो है नंबर सेव नहीं होगा लेकिन फिर भी आप लोग जो है इसके साथ जो है आसानी के साथ चैट कर सकते हो, क्योंकि लोगों का अपना प्राइवेसी होता है, वो हर किसी को जो है सेव नहीं करता। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और लाइक और कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बाकी वीडियो जो है मोबाइल की स्क्रीन पे देखते हैं। मोबाइल की स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है। मेरे पास ये एक नंबर है, ये जो पहले नंबर पर मौजूद है, मैं इसको जो है व्हाट्सएप करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जो है इस नंबर को सेव करना नहीं चाहता। तो कैसा व्हाट्सएप करूँगा? मैं इस नंबर को जो है अपने पास याद करूँगा या अपने साथ जो है लिखूँगा या कॉपी करूँगा, और फिर जो है हम कोई ब्राउज़र ओपन करेंगे, जो भी आप लोग जो है नॉर्मली यूज़ करते हो। मैं तो गूगल क्रोम यूज़ करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, गूगल क्रोम को जो है ओपन करूँगा। तो क्रोम को मैंने ओपन कर दिया है और यहाँ पर जो है हम सर्च में लिखेंगे https://, और फिर जो है wa.me और फिर स्लैश, और फिर यहाँ पे जो है हम नंबर लिखेंगे और जो भी कंट्री का कोड हो जो है उसके साथ जो है हम नंबर लिखेंगे। जैसा कि पाकिस्तान का है 92, तो हम 92 से स्टार्ट करेंगे। 3 और फिर जो है हम सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद जो है यह आप लोगों को नज़र आ रही है, कंटिन्यू टू चैट। यस, कंटिन्यू टू चैट पर क्लिक करेंगे और फिर जो है आप व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे। नंबर जो है सेव नहीं है लेकिन फिर भी जो है आप लोग चैट कर सकते हो। तो ये था सिंपल सा ट्रिक, इस तरह आप लोग जो है बगैर सेव किए हुए नंबर के साथ जो है आप चैट कर सकते हो, तो आपकी जो है प्राइवेसी जो है वो बच जाएगी। तो ये था आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलती है। शुक्रिया।